एविडेंस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति, अपराध तथा सामाजिक जगत से जुड़ी हुई खास खबर। मुंबई, धारावी के वार्ड क्रमांक 184 के कांग्रेस नगर सेवक हाजी बब्बू खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस शख्सियत ने लोगों की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है, और वो भी चुनाव से पहले व चुनाव जीतने के बावजूद जारी है, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नज़र नहीं आता, और यही कारण है वह हरदिल अजीज अपने वार्ड में बन गए हैं। उनके द्वारा अपने वार्ड में जनसेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की भी लंबी फेरिस्त होती जा रही है। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान मिले, स्वस्थ जीवन मिले, इस प्रण के साथ उनके कदम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उनके द्वारा एक बार फिर धारावी में विशाल मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में मरीजों ने भाग लिया। मरीजों का परीक्षण हुआ, खून की जांचें की गईं, आँखों की जांच की गई, दवाएं दी गईं, चश्मे फ्री में बांटे गए। मेडिकल कैंप में लगभग 2000 मरीजों का आंकड़ा छूता नज़र आया, जो अपने आप में मेडिकल कैंप की सफलता का उदाहरण है। लोगों के लिए स्वस्थ सेवा मिले, इसके लिए क्या कहते हैं कांग्रेस के नगर सेवक हाजी बब्बू खान, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। आज का प्रोग्राम जो बारिश का, मानसून का, जो हर साल हम लोग प्रोग्राम करते हैं, वो बारिश के टाइम पे अक्सर करके बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। और धारावी एक स्लम एरिया है, और यहाँ पर सब गरीब लोग बसते हैं ज़्यादातर, और उनके पास में दवाइयों के लिए प्रॉब्लम होती है, उनको मालूम नहीं रहती कि वो किस बीमारी में मुबतला है। तो हम लोग ने यहाँ पर आज एक मेडिकल कैंप लगाया है, और उस मेडिकल कैंप में सारी सुविधाएं रखी हैं। जिनको टीबी का अगर कोई पेशेंट है तो उसको टीबी का टेस्ट कराते हैं, उसको लॉन्ग लाइफ जब तक वो अच्छा नहीं हो जाता जब तक उसकी दवाई चालू रहेगी। इसके अलावा डेंगू का अगर कोई पेशेंट मिलता है तो हम लोग डेंगू का इलाज भी फ्री में कराते हैं। मलेरिया है और शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसके लिए हमारे वार्ड में डिस्पेंसरी है, और उस डिस्पेंसरी में लोग जाके हमेशा के लिए दवाई मुफ्त में मिलती है। आपके बैनर पे कैंसर का नाम आया था, कैंसर के लिए हम लोग 7 हेल हॉस्पिटल में हमने कांटेक्ट किया है, वहाँ की टीम मेरे यहाँ पर आई हुई है। अगर किसी को कैंसर की शिकायत है तो उसके लिए डायलिसिस है और भी कुछ तरीके के उनके पास में कैंसर के कुछ इलाज है, कुछ कंडीशन है उसमें, वो करके देंगे। आज कितने टाइप के डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पर? देखो, BMC का पूरा स्टाफ है जो भी हॉस्पिटल से आया है, उसके अलावा 7 हेल हॉस्पिटल का एक स्टाफ आया हुआ है, उन लोग सब तरीके का मतलब वो दूसरा तीसरा हमारे पास प्रोग्राम है आई का, जो लोग मशीन लगी है, लोग अपना नंबर चेक करा रहे हैं, और जो भी चश्मा दे रहा है वो फ्री में दे रहे हैं। दवाइयों की क्या स्थिति? दवाई फ्री में ही दिया है पूरा। कितने डॉक्टर रहेंगे आज इस? आज यहाँ पर हमारा टोटल टीम जो आया है वो 70 लोगों का टीम है। कितना पेशेंट रहेगा इस समय? पेशेंट करीब 2000 तक जाएगा हमारे पास। क्या उद्देश्य रहता है आपका इस तरह की सेवा करने का? क्या उद्देश्य रहता है आपकी, क्या मानसिक? मेरा मकसद खाली हमारे लोगों को जो हम दे सकते हैं, हमसे क्या फ़ायदा हो सकता है, वो लोगों के लिए हमारा। और जनता को अपना और कुछ कहना चाहेंगे कि आज इस कैंप के, इस तरह से आप हमेशा कैंप भी करते रहे हैं, और आपका कैंप जो भी रहते हैं बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, उनको काफ़ी लाभ मिलता है। मेरे इस कैंप के अंदर एक खास बात ये रहती है कि सारी चीज़ें फ्री में रहती हैं, दवाइयाँ, चश्मा, ECG, जो भी बड़े टेस्ट रहते हैं वो भी, ब्लड टेस्ट में तुम्हारा शुगर का टेस्ट फ्री है और TB का टेस्ट फ्री है, इनकी दवाइयाँ मुफ्त हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर खाली शो शाइनिंग नहीं, मतलब काम की बात होती है। बाबू भाई, आपके वार्ड में एक हॉस्पिटल खोला गया है, किस तरह की सुविधा उस हॉस्पिटल में यहाँ पे बता पहुँचा? उस हॉस्पिटल में खास करके लेडीज़ के लिए जो भी उनके गुप्त रोग रहते हैं उनके सब इलाज होते हैं, प्लस TB का अगर कोई पेशेंट उनको मिलता है, जब तक वो अच्छा ना हो जाए जब तक वहाँ के डॉक्टर उसको गाइड करते हैं, अगर वो दवाई लेने नहीं आता है तो डॉक्टर उसके घर जाके दवाई देते हैं। उसके अलावा रेगुलर जो फीवर के तकलीफें हैं, इस तरीके की कोई भी परेशानी है, तो वो डॉक्टर MBBS डॉक्टर वो हमेशा रहते हैं, मतलब सुबह
9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक वहाँ पर डे हमेशा रहते हैं। आप कोई भी जाके वहाँ पर दवाई ले सकते हैं, और दवाई के बाद में भी अगर वहाँ कोई परेशानी ऐसी आती है किसी को कि वो इलाज वहाँ नहीं है, तो हम लोग सैन हॉस्पिटल में उसको बहुत अच्छी तरीके से इलाज कराते हैं। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट की तकलीफ होती है, तो हमारे पास राजीव गांधी योजना जो हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया है, तो ये आज मैं कांग्रेस सरकार जब हमारी सत्ता में थी उस टाइम पे ये एक ऐसा कानून आया है हिंदुस्तान के अंदर कि आज गरीब अपने घर में मर जाते हैं। आज जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने हार्ट की सर्जरी फ्री में करा सकता है। ये मौका अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ लोगों को कांग्रेस दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकता। आज लाखों लोग हिंदुस्तान में मतलब इतनी बड़ी बीमारी के शिकार होते हैं हार्ट के, हर इंसान जानता है कि लोग हार्ट से परेशान हैं, हार्ट की बीमारी में मुब्तला है, लेकिन कांग्रेस ने एक इतनी बड़ी चीज़ हमको दे दी कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप फ्री में राजीव गांधी योजना के तहत अपना बाईपास सर्जरी भी फ्री में करा सकते हैं, और हमारे सारे हिंदुस्तानी उसका आज फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कांग्रेस की हमारे ऊपर बहुत बड़ी देन हैगी, और आने वाले लोगों को भी इस चीज़ का सबक मिलना चाहिए कि कांग्रेस लोगों को जो देती है वो दिखता नहीं है, लोग उसका फ़ायदा उठा के भी नहीं भूलते, भूलना नहीं भूल सकते कि मतलब ये कांग्रेस की देन है। और मैं खास करके अपने वार्ड के लोगों को बोलना चाहूँगा कि साथियों, आप किसी भी बीमारी पे अगर पीड़ित कोई भी पेशेंट है तो उसको मेरे पास लेके आओ, मैं उसको हर तरीके से सुविधा का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी संस्था के, किसी भी एनजीओ के माध्यम से, मैं अपने माध्यम से कुछ ना कुछ करके उसको, हम लोग, मेरा खुद का ऐसा मानना है कि हम लोग उसको हर तरीके से उसको जो भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं पहुँचाएँगे, और वो लोग हमारे तक आना चाहिए। साइन हॉस्पिटल के अलावा भी बहुत हॉस्पिटल है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को सुविधा मिले, और लोग सुविधा उठाना चाहते नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जाते हैं, लोग उनका काम नहीं करते हैं। लेकिन मेरा वादा है कि मेरे पास आने वाला कोई भी पेशेंट खाली हाथ मैं नहीं जाने दूँगा उसको, और मेरी सोच ऐसी है कि मैं लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट करा के दूँ, और जहाँ तक होगा मैं खुद जाके हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट कराता हूँ, और उनका अच्छी तरीके से इलाज की कोशिश रहती है। जिस तरीके से भी कोई संस्था भी अगर उसको अपॉइंट नहीं करती, तो हम लोग खुद अपनी जेब से खर्च करके उनका थोड़ा बहुत इलाज ज़रूर कराते हैं। और मैं लोगों से विनती करता हूँ कि वो अपनी कोई भी परेशानी है मेरे तक आए, मैं आप लोगों के लिए सेवा में हमेशा यहाँ उपलब्ध रहता हूँ। थैंक यू। आज का कैंप जो है वो हमने जो वादे किए थे इलेक्शन चुनाव के दौरान, वो हिसाब से हमारा सब पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हमने चुनाव में वादा किया था कि हम आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमने हमारे इलाके में एक छोटा सा मेडिकल, छोटे से एक डिस्पेंसरी थी, और वहाँ पर सिर्फ टीबी का काम होता था और कोई दूसरी उधर सुविधा नहीं थी। और आज हाजी बब्बू खान नगर सेवक बनने के 6 महीने के अंदर हमने उस 30x30 की जगह को हमने 10 कमरों में बदल कर एक बहुत बड़ा, मतलब जो वादा हमने पूरा किया वो आपके सामने है। और आज स्थिति ये है कि लोग दवा के लिए बहुत परेशान रहते हैं, और माली हालत भी आजकल लोगों की अच्छी नहीं है। इसके वजह से ये हमारा मिशन था कि अगर नगर सेवक हमारा है, हम हमेशा ये कहते थे अपने आदमी को लाओ, अपने आदमी को लाओ, तो लोगों को ये समझ में आता था अपना आदमी का मतलब क्या होता है। एक समाज का नहीं होता, अपना आदमी का मतलब अपने परिचय का आदमी, उस परिचय के आदमी को लाने के बाद में उससे आप काम ले सकते हो, और वो वहाँ का रहने वाला होने के नाते उसको दुख दर्द मालूम रहता है। इसी बिना पर हम लोगों ने वोट मांगे, और आज हाजी बब्बू खान नगर सेवक हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं उस वादों को पूरी करने के लिए एक एक हमारा जो स्टेप है, और इसी तरह के कैंप हमेशा हम लगाते रहेंगे, ये हमारा संकल्प।